हम सेफ्टी यूज, हम शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं या कोई चीज हम यूज नहीं करते, फिर भी हमें बच्चे होते जाते हैं। मैंने नसबंदी करा लिया है, मैंने ऑपरेशन करा लिया है, लेकिन फिर भी मुझे बच्चे हो रहे हैं। उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए एक बयान दिया था कि वो अपनी बेटी का शादी पाकिस्तान में कराना चाहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को बेचना चाहते हैं। 18 बच्चे 14 बच्चे 15 बच्चे लगातार ऐसे ऐसे इंटरव्यू आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा आंटी इधर आ जाइए, बैठिए थोड़ा सामने, उधर आइए, आइए उधर। तो आप एक बार एक पल के लिए गौर कर लीजिएगा। बेटे एक मिनट रुके, बैठिए बैठिए। आप एक पल के लिए गौर कर लीजिएगा, ये वही बच्ची है जिसका शादी पाकिस्तान होने का जिक्र हो रहा था और ये वही माँ है जिनके लगातार अनगिनत बच्चे हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे 8 बच्चे हैं। आपने वीडियो में इंटरव्यू दिया कि मेरे 18 बच्चे हैं, मेरे 12 बच्चे हैं, मेरे 9 बच्चे हैं, क्यों? जैसे आप आए पूछने आए कि कैसे बच्चा है, कितना बच्चा है, जो भूखी लेके किसी को कह दिए 9 किसी के 8, तो टोटल सही बच्चा है, 8 बच्चे हैं। हाँ। तो आपको जब 1-2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन होता है, आपने ऑपरेशन कराई? हम ऑपरेशन करवाए। अच्छा। 2 बार ऑपरेशन करवाए, अंतरा का सुई 3 बरस तक लिए, सारा फेल कर गया। अच्छा। उस पर भी बच्चा हो ही रहा है, इसीलिए हम डॉक्टर के और सिविल सर्जन सर के चक्कर लगाते लगाते हम थक चुके, नहीं न्याय दिए अभी तक, और उसी के कारण हमारा बिजनेस बंद हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान जो कहते हैं ना, यही सब लोग करवाया। जो इससे बोलो, बात बताइए, कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का ये रूल है कि नसबंदी के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उस बच्चे के लिए मुआवजा देना होगा, ऐसा कहा जाता है। तो आपके लगातार 8 बच्चे हो गए नसबंदी के बाद भी, तो आपको सरकार ने मुआवजा दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं। तो फिर आप लोगों ने ये समाज में, आप जाती सरकार के पास, आप कंप्लेन करती बहुत की है। मेरी बात सुनिए कि आप लोग पूरे समाज को शर्मसार कीजिएगा। नहीं, कोई शर्मसार नहीं करेगी। आप गंदगी फैला रही हैं। हाँ, तो ये तो देखिए, एक सबूत सामने है, ये आप देख सकते हैं, कंप्लेन है पूरी गांव ने, पूरी समाज ने मिलकर इन दोनों को, देशद्रोही इनके पति को, जिनका मानसिक स्थिति जो है, संतुलन जो है वो खराब है, नीरज सिंह उनका नाम है, कहा जाता है कि राजपूत लोग सर कटा देते हैं लेकिन मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन नीरज सिंह ऐसा है जो राजपूतों के नाम पे, राजपूताना के नाम पे कलंक है, और उनकी बेटी और बीवी बराबर की साझेदार है, ऐसा पूरे गांव का कहना है। और देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, उम्र कितनी होगी बाबू आपकी? 17। नाम कितनी है? कोमल। कोमल, चलिए, उम्र है 17 साल, नाम है कोमल, और देख सकते हैं कि नाबालिग बच्ची है और ये शादी करेगी पाकिस्तान में। आप लोग किसी पत्रकार को जबरदस्ती जबरन आपसे शादी करने के लिए आपके माता पिता दबाव बना? वो गलत बात है, वो पत्रकार डर से आपके एरिया में नहीं आ रहा है, वो गलत बात है, सब मिलकर मेरे साथ साजिश किया है, सब गलत बात है, सब मिलकर साजिश किया है, ऐसा गलत। तुम खुद बोल रही हो कि हम पाकिस्तान जाएंगे, मुझे पाकिस्तान से फंडिंग आता है, पैसे आते हैं। सुनिए, आप जो यहाँ पर रहिएगा, आप कहेगा कि अब नहीं बोलिएगा तो हम मर्डर कर देंगे, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए? किसने बोला कि आपको मेरा मर्डर कर देंगे भाई, हम पाकिस्तान नहीं जाओगी तो? किसने कहे? जो जो बुलाया है, जो सिखाया है, उसने कहा। अभी भी हमारा आपको कौन बुलवाया, कौन सिखाया, नाम लीजिएगा उसका। नाम हम काहे लेंगे? काहे नाम नहीं लीजिएगा, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपना मर्जी से कर रहे हैं। तो मर्जी से आप पाकिस्तान का खाइएगा, खाइएगा इंडिया का, खाइएगा पाकिस्तान का, तो वो तो जखनी फैसला होगा तक वो सारा पता नहीं हो जाएगा। फैसला क्या होगा, समाज से बड़ा कोई है क्या जी? इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते क्या आप नहीं जानते हैं? भूखा नंगा पाकिस्तान आपको फंडिंग कर रहा है और इंडिया में किसका खा रही है आप? नहीं तो उतना देशद्रोही वाला काम कर रही है। नहीं तो अगर अगर किए हैं ऐसा है तो देशद्रोही है तो उसे माफी मांगते हैं। इतना पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे नॉलेज मूर्ख आदमी है, अब नहीं बुझे है। अच्छा, बेटी को भी बेच रही है आप अपने सोने के, सारे बच्चों को बेचते जा रही है 1-2 लाख में? गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, सारा गलत बात है। पति का इंटरव्यू है, इसमें से साफ बोला है कि हम अपने बच्चों को बेचना चाहते हैं, कोई खरीदने वाला है तो इतना पैसा दे और ले जाए। नहीं, कहाँ है वीडियो निकालिए, था वीडियो निकाले? हाँ निकालिए, सामने सोच लीजिए, सब कुछ बोल रही है आप, बोल रही है निकालिए। पैसा पैसा के कहीं बातें नहीं है, वीडियो निकल जाएगा तब क्या कीजिएगा? तो हम निकालिए ना पहले वीडियो, क्या कीजिएगा बताइए ना, पूरी दुनिया वीडियो को देख रही है ना, बताइए क्या? तो बेचने की कहीं बात नहीं है, गोद देने का बात एक, हाँ एक पहला वीडियो जो हम रिलीज किए थे तो इसमें नहीं देखा है कि बेचने क्या कहता है, अब बच्चा तस्करी सब नहीं जानते हैं। आप कह रहे हैं हम मूर्ख हैं, आप कह रहे हैं कि हम पहला वीडियो रिलीज किए थे तो मूर्ख का कथी वो कहता है ना इस मामले में? आप कह रहे हैं कि हमारा फोन, एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम लोग बोल रहे हो, वेट, ये दोनों लोग बोल रहे हैं, आज आप लोगों के बीच का क्या बोले बच्चा?
घाट मुजफ्फरपुर बिहार। हम ही वही बच्चा बेचने वाले जूली देवी नीरज सिंह परिवार नियोजन की कहानी जो आप लोग सुन रहे हैं वही है। आज आप लोगों के बीच कहना है बराबर की झूठी ऐड है, आप वीडियो और व्यूज के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कहीं से नहीं वीडियो व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कानून में दम है कहाँ, आपके बिहार के कानून में, भारत के कानून में दम कहाँ है। और मैं बच्चा बेच रहा हूँ तो मुझे कानून क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे और मेरे बच्चों को गिरफ्तारी करवाइए, नहीं तो मैं हम लोग पाकिस्तान जाएंगे तो जाएंगे। एक मिनट, इन्होंने बोला मैं बच्चा बेच रहा हूँ लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि मुझे हाथ लगा सके। किसने बोला? आपके मानसिक दिमाग से हिले हुए पति ने। ठीक, उन्होंने कहा मैं बच्चा बेच रहा हूँ, पुलिस की औकात नहीं है कि मुझे हाथ लगा सके, मैं पाकिस्तान जाके रहूंगा। तो इतने सालों से इंडिया का, इसका मतलब कि आप तो पाकिस्तान से क्रिमिनलगिरी कर रही है, आप पाकिस्तान से इसका मतलब हाथ मिला हुआ है, आप तो उससे हमारे देश को बर्बाद कर रही है। क्या आगे का क्या प्लान है, देश में बर्बाद कर रही है? कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रही है, अफसोस नहीं है आपको? अगर गलत कर रहे हैं ना तो आप कह रहे हैं ना जो हमको ले जाएंगे पकड़ के, अगर गलत किए हैं तो ले चलते ले जाइए। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है, आप अपना लाज लिहाज शर्म घोल के पी चुकी है। समाज, गांव, परिवार, किसी चीज की इज्जत की, बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। सीधा कि हम गलत नहीं किए हैं, नहीं कैसे नहीं रहेगा, बेटी हमारी बेटी तो समाज का बेटी। एक बात, एक मिनट चुप रहेगा आप, एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। आपके घर में जो जो चीजें मैंने देखी, एक नॉर्मल घर में नहीं होती है, सही सही बता रहे हैं हम, एक बाइक नॉर्मल घर में नहीं होती है, लेकिन अब सारा फैसिलिटी आपके घर में है। आप अपने आप को गरीब बोल रही है लेकिन इतना तमाशा करने का शौक है, बाइक में सुनिए, बाइक रखने का शौक है लेकिन आपको अपनी बच्ची को पढ़ाने का शौक नहीं है। आप इसको डाल दी कि हम पाकिस्तान भेजेंगे, जो लड़का मिले पकड़ के शादी करा देंगे, चाहे वो राजपूत खानदान का एक पत्रकार क्यों ना हो। तुम बोल रही हो कि मेरा फोन गांव समाज ने छीन लिया, ठीक, लेकिन तुम 48 मिनट पहले एक वीडियो डालती हो अपने पिताजी का रोते हुए, कैसे बिना फोन का कैसे पोस्ट हो सकता है? तो पहले का वीडियो कहीं होगा, अभी सर फूटा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, अभी का वीडियो है, 48 मिनट पहले वीडियो आया है। किसके फोन से तुम अपलोड की हुई बताओ? वो बात जो आप बोल रहे हैं ना प्रत्येक बिहारी का, वो शुरू टाइम में पापा मेरे फोन मतलब वीडियो बना के ले गए थे ना, तो फोन नहीं उठा रहे थे, तो वो दिसंबर में, तो मेरा भाई मैसेज किया था जो कब आएगा, जो वो बोले थे कि हम आए। नहीं, तुम मैसेज की थी? मेरा आईडी से, मेरा आईडी से मेरा भाई चलाता है, हम नहीं चलाते फोन, पलट गई। मैं मेरी बात सुनो, तुम छोटी सी बच्ची हो, अपना सद्बुद्धि खो के आई हो कि हम पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, वीडियो बनता है, ब्लॉगिंग बनता है, हम कैसे खाना बना रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, तुम सारा चीज करके तुम कमा सकती हो। और सुनो, तुमको ज्यादा से ज्यादा गिरना है तो तुम ये बोलती हम डांस कर लेते अपना आके अंदर, कि तुम ये बोलोगी कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में ब्याह करेंगे, हम अपने भाई बहनों को बेचना चाहते हैं, हमको कोई बेचना खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। तुम अपने आस पड़ोस मोहल्ला के भाई बहनों पे, तुम अपने भाइयों पे 376 लगाने का बात करती हो, रेप केस करने का बात करती हो, मतलब समझ में आता है तुम क्या कर रही हो? तो ऐसा किए है तभी ना हम केस किए। क्या किया तुम्हारे भाई? वो तो थाना में लिखा हुआ, थाना तुम बताओ ना, देख रहा ना मीडिया, माफी मांगोगी ना तुम इतना गंद फैला कर रखी हो तो? हम क्या गंद फैलाए हैं? कुछ गंद नहीं फैलाई हो तुम, कोई गलती नहीं हुई तुमसे, बस इतना बोलो तुम। क्या तुम्हें लग रहा है, मन से बताओ कि तुमने कोई गलती नहीं की है, इतना बताओ मुझे बस। तुमने गलती की कि नहीं की? तुम तो बहुत शौक से बोल रही थी मीडिया के सामने। मैं बता रही हूँ। एक मिनट विभू जी, एक मिनट, तुम बोल रही थी वीडियो में, सुनिए, तुम बोल रही थी वीडियो में कि हम पाकिस्तान जाएंगे, क्या करेंगे, हम इंडिया में नहीं है खुश, हम पाकिस्तान में जाके शादी करेंगे, वैसा बोले। मेरी बात सुनो, अब तुमसे कौन शादी करेगा ये सब कचरा देखने के बाद, पूरा दुनिया तुम्हारा वीडियो देख लिया, क्या तुम्हारी शादी कभी हो सकती है? नहीं पता हमको, नहीं पता। गंदगी में होगी और क्या हो सकता है? गंदगी में होगी, जो लड़का शादी करेगा तुम्हें बाजारू समझेगा, है ना, सीधा सीधा भाषा में, कोई तुम्हारे माँ को अच्छे नजर से नहीं देखेगा, कोई तुम्हारे परिवार को अच्छे नजर से नहीं देखेगा। आज तुम्हारे पिताजी को सब पागल कह रहे हैं, तुम सबको कोई पागल कह रहा है कि सारा का सारा परिवार का स्क्रू ढीला है, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारे परिवार की क्या इज्जत रह गई है? परिवार का हुआ है ना, कैसे खाना पीना खाओगी तुम लोग आगे, समाज जब सपोर्ट नहीं करेगा तो? समाज वाले लोग सपोर्ट करते तो यही करते, समाज वाले लोग, तुम अगर समाज का कदर करती, तुम समाज के बारे में सोचती, क्या तुम और तुम्हारे माता पिता तुम लोग ये करती? साथी तुम देखो, अभी भी तुम्हारा समाज कह रहा है कि तुम अगर सही रास्ते पे चलोगी तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तो तुम क्या चाहती हो? स्कूल के लिए तो आपको सारा अप्रोच कर देगा,
तो हम तो करता है, तो हमसे गलती हुआ है इसलिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये प्रत्येक बिहारी बाबा लात गलत है ये बात। तुम पूरी दुनिया के सामने माफी मांगो कि आज के बाद उल-जुल वीडियो नहीं बनाओगे। हम वीडियो बनाना हम छोड़ दिए हैं उसी दिन से, जिस दिन से पापा मेरे बोले थे ऐसा हुआ है, उसी दिन से वीडियो में कभी नहीं। कहीं ना कहीं आप तुम वीडियो बनाओ। आज पापा का सर फट गया है, जो भी है मारपीट हुआ है ना? हाँ हुआ है। कौन मारा तुम्हारे पिताजी को? ये मारे, मतलब पूरा गांव मिलकर मारा है, सिंपल कहते हैं। ये मारे तुम्हारे चाचा? हाँ, गांव के लोग नहीं मारे हैं, जो जो मारे हैं उनका नाम बताते हैं। चोपू मारे हैं, रोबिन मारे हैं, सरोज मारे हैं, सोनू अंकल मारे हैं, संतु बाबा भी मारे हैं, उनका पूरा फैमिली मिलके मारा है। तो क्यों मारा है आखिर समाज को, आखिर तुम्हारे चाचा को, तुम्हारे फैमिली वालों को, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवार को मारना क्यों शुरू कर दिया? अगर गलत बनाए थे तो अब तो समाज है, आप आकर तो कहते कि नहीं गलत बनाते हैं तो बंद करो। तो हम अगर उस पर हम समाज के बात काट के अगर बनाते हैं तब ना समाज हमको दोषी कहता है। अच्छा, मतलब कि समाज के बात काट के आप वीडियो नहीं बनाए? नहीं। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं ये बताइए? तीन बेटा है। तीन बेटा और बाकी चार बेटियां। हाँ। कितनों को गोद देना चाहती हैं आप? अब कहां से गोद देंगे? अच्छा, मतलब कि सारा वायरल होने के लिए तमाशा हुआ था, लेकिन अब बच्चों को नहीं देना? हाँ, तो नहीं वायरल हो, लेकिन ये नहीं कहे थे, जब गर्भ में बच्चा था ना तो हमको नहीं खिलाने पिलाने के होता था, तो हम दिए। बच्चा तस्करी तो नहीं करती है आप? इतना सारा सारा ही सब गलत बात है। अच्छा, बच्चा को बेचने की बात आरोप लग रहा है, बच्चा बेचिएगा? बच्चा बेचने का? आपके पति अपने मुंह से बोल रहे कि हम बच्चा बेचेंगे, नीरज सिंह बच्चा बेचने वाला, पुलिस की औकात नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले। वीडियो आपने देखा? हाँ। आप बोले वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो भी दिखाया और आपको भी दिखाया और दुनिया को भी दिखाया। वो दुनिया देख रहे हैं वीडियो, आप जो हमको कह रहे हैं तो दुनिया देख रहे हैं। मतलब आप गलती की है तो माफी मांगने में क्यों? हम तो कह रहे हैं, मांग रहे हैं, मांगे ना, मांग रहे हैं, मांगिए माफी, माफी मांग रहे हैं, गंदा किया वैसे मांग रहे हैं। जो अगर गलती लगा हमारे समाज के तो हम माफी मांग रहे हैं, जो गलती लगा नहीं ऐसा नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे एक बच्ची है, तुम भी माफी मांगो। हम तो मांग रहे हैं, हम तो ऐसा कोई गलती नहीं करोगी, समाज को गंदा नहीं करोगी तो समाज वाले लोग साथ देंगे, तब हम गलत। तुम अच्छा करोगी तो पूरा समाज तुम्हारा साथ देगा, तुम काम करो, समाज तुमको स्कूल भी ले जाएगा, समाज तुम्हें पढ़ाएगा भी। एक दो लोग मूर्ख नहीं, एक दो लोग मूर्ख। कान पकड़ो, हम तो बोल रहे हैं, कान पकड़े रहो और बोलो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं। दोबारा हम लोग आएंगे आपके लिए, गाँव वाले से बात करेंगे, गाँव वाले सपोर्ट करेंगे आपको। चलिए चलिए। तो आपने देखा वायरल अनगिनत बच्चों की कहानी, लेकिन इन बच्ची की आपने कहानी सुनी, कहीं ना कहीं बच्ची पे भी मीडिया वालों ने, हम तमाम उन यूट्यूबर और मीडिया से कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे ऐसे मामलों में गंभीरता नहीं लेते हैं, आके चंद व्यूज के लिए अपना ईमान अपना जमीर बेच देते हैं, आते हैं चंद पैसा गरीब लोगों को देते हैं और जो मर्जी कंटेंट के लिए बुलवा लेते हैं, और ऐसे इन लोगों की इज्जत की धज्जिया उड़ गई, आज इनके खाने की नहीं पड़ी, समाज आके इनको मार रहा है, घर से सबको निकाल रहा है, यहाँ तक कि इन सब पे देशद्रोही का आरोप लग गया और इनसे पाकिस्तान का वोट बुलवाने वाला भी कोई मीडिया ही था और 1000 रुपया दे के इन्हें पाकिस्तानी बना दिया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और जो सच्चाई हम आपके सामने लेके आए हैं उसे इतना शेयर कीजिए कि दुनिया में यूट्यूबरों के काले धंधे बंद हो सके और कुछ चंद मीडिया वालों के जो काली करतूत है वो सामने आ सके। कमेंट में अपनी राय छोड़ के जाइएगा। देख रहे थे टाइम्स ऑफ न्यूज, मैं थी आपके साथ अंजलि पुता। जय हिंद।